दोस्तों बहुत सारे यूज़र को सिस्टम अपडेट आने के बाद इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम या इंस्टॉलेशन अबोर्ट ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों इसका कारण है कि आपने अपने फ़ोन के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। जब आप जी कैम इंस्टॉल करते हो तो TWRP में जाने के बाद कुछ तो चेंजेस किए हो, अदरवाइज दोस्तों आप मैजिक्स मैनेजर अभी भी स्टेबल नहीं, तो मैजिक्स मैनेजर से रूट किया होगा और उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन है कि आपको स्टॉक रोम फ्लैश मारना पड़ेगा। तो स्टॉक रोम कैसे फ्लैश मारना है, इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको आगे बताया है। दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में ADV इंटरफेस ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में ADV इंटरफेस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर पाते तब तक दोस्तों आप अपना फ़ोन फ्लैश नहीं कर सकते और कोई भी फास्ट बूट रोम भी डाल नहीं सकते और बहुत सारे मोड भी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए ADV इंटरफेस ड्राइवर इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है। ले चलता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे चलते हैं सिस्टम में, और सिस्टम में जाने के बाद चलते हैं डिवाइस मैनेजर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी एंड्रॉयड का एक भी ड्राइवर अभी तो इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। तो ये लैपटॉप है विंडोज 7 32 बिट। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है क्रोम में, और क्रोम में सर्च करना है ADV ड्राइवर फॉर जो भी आपका लैपटॉप विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो। उसके बाद दोस्तों आपको एक्सेडा डेवलपर वेबसाइट का एक रिजल्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ही रिजल्ट है, तो उसे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने आएगा 15 सेकंड ADV इंस्टॉलर 1.4.3। तो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपका लैपटॉप विंडोज 7 और 32 बिट है तो आप 1.3 ADV इंस्टॉलर यूज़ कीजिए। आपका लैपटॉप विंडो 8, 10 जो भी है और 64 बिट है तो आपको 1.4 इंस्टॉलर ADV इंस्टॉलर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वर्जन यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो विंडोज 10 64 बिट के लिए 1.4, विंडोज 7 32 बिट के लिए 1.3। तो मेरा विंडोज 7 और 32 बिट है तो मैं 1.3 डाउनलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है, बस उसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे रन करता हूँ, रन करने के बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, उसे ओपन करता हूँ और बस आपको दोस्तों YYY टाइप करके जाना है। तो करता हूँ मैं टाइप YYY, उसके बाद दोस्तों एक गूगल इंक ड्राइवर इंस्टॉलेशन का एक आपको विंडो आएगा, उसे नेक्स्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे जाते हैं डिवाइस मैनेजर, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी एंड्रॉयड का कोई भी ड्राइवर अभी भी नहीं दिखा रहा। तो आपको बस कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, ऊपर एक्शन में जाना है और ऐड हार्डवेयर लेगेसी पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल द हार्डवेयर मैन्युअली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे एंड्रॉयड ड्राइवर्स आ जाएगा, उसे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली ड्राइवर अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ चुका है एंड्रॉयड ADV इंटरफेस 9, तो यहाँ पे 11 भी आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नेक्स्ट करना है और एक बार, तो उसके बाद ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फिनिश करना है, तो यहाँ पे जैसे फिनिश करते हो तो ड्राइवर ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड डिवाइसेस और नीचे आ रहा है एंड्रॉयड ADV इंटरफेस, तो नीचे पीला साइन आ रहा है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लाइक तो बनता है। दोस्तों सेकंड स्टेप है, आपको अपने मी A1 की स्टॉक क्रोम डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल MIUI फॉरम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं करता हूँ लिंक को ओपन, तो उसके बाद यहाँ पे फुल रोम का पैकेज मुझे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस रोम को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप के सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको डाउनलोड करना है MI फ्लैश टूल, वो भी MI फॉरम से। तो दोस्तों MI फ्लैश टूल एक विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है, तो इसकी हेल्प लेके आप स्टॉक क्रोम फ्लैश कर सकते हो। तो इसे डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इसे इंस्टॉल करना है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड स्टेप है दोस्तों, आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सिस्टम में, सिस्टम में जाने के बाद अबाउट फोन में, उसके बाद दोस्तों आपको बिल्ड नंबर पे 3-4 बार टैप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे OMEअनलॉक पे दोस्तों आपको
इसे अलाउ कर देना है, और जो भी आपका दोस्तों पासवर्ड फिंगरप्रिंट होगा उसे निकाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यूएसबी डबिंग को भी दोस्तों इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में लेके जाना है। फ़ोन को ऑफ कीजिए, वॉल्यूम प्लस डाउन बटन को एक साथ प्रेस कीजिए, उसके बाद फ़ोन दोस्तों फास्ट बूट में चला जाएगा। उसके बाद फ़ोन को लैपटॉप को यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर देना है। दोस्तों लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है फ्लैशिंग की, तो ये हमारी लास्ट स्टेप है। और मैंने आपको बताया था कि हमने जो MI फॉर्म से रोम डाउनलोड किया है वो आपको सी ड्राइव में ही एक्सट्रैक्ट करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको रोम सी ड्राइव में ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने रोम सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो ये सी ड्राइव है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी ड्राइव है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको ओपन करना है MI फ्लैश टूल, जो मैंने कहा था कि डाउनलोड करके आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से करता हूँ मैं MI फ्लैश टूल को ओपन। तो यहाँ पे लोड हो रहा है MI फ्लैश टूल, उसे रन कीजिए। रन करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट काम करना है आपको, राइट साइड में नीचे तीन ऑप्शन मिलेंगे, क्लीन ऑल, सेव यूज़र डाटा। तो आपको दोस्तों सेव यूज़र डाटा पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको फ्लैशिंग का फाइल सिलेक्ट करना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाके। तो हमने जहाँ स्टॉक रूम रखा है उसे सिलेक्ट करना है। तो हमने रखा है सी ड्राइव में, तो सी ड्राइव में जो हमने स्टॉक रूम एक्सट्रैक्ट किया था उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टीशूट इमेज ऐसा आपको रोम मिलेगा, तो उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही दोस्तों यहाँ पे अपना डिवाइस आईडी शो हो जाएगा, तो हम सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे यूजर सेव यूज़र डेटा पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फ्लैश कर देना है। तो फ्लैश ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ टाइमिंग आ जाएगा और रूम फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों डिवाइस को डिसकनेक्ट मत कीजिए, लैपटॉप को ऑफ मत कीजिए। तो यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपका डाटा, आपके फ़ोन में जो भी डेटा है वो सारा डेटा दोस्तों बच जाएगा, कोई भी डेटा का लॉस नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 10 या 15 मिनट तक वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों पूरा फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फ्लैशिंग रिजल्ट सक्सेसफुल आ जाएगा और अपना फ़ोन ऑटोमेटिकली बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और दोस्तों ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है अपडेट इंस्टॉलेशन अबाउट का, तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।